राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खां पर केस दर्ज हो गया है। मारिया ने सोमवार को फरुखाबाद में कहा था, मुसलमानों के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है, अगर हम एक नहीं हुए तो समझ लेना यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा, संघी सरकार हमें मिटाने की कोशिश कर रही है। मारिया ने कहा कि मुझे बहुत शर्म आई जब मैंने ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने यहाँ भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई, मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। मंगलवार को फ्लाइंग स्क्वाड टीम के प्रमुख डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कायमगंज कोतवाली में खुर्शीद और उनकी भतीजी पर FIR दर्ज कराई। पुलिस को दी एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा कि धर्म के आधार पर वोट देने के लिए कहा गया, धारा 188, 295A और 125 में दर्ज की है। मारिया फरुखाबाद में सपा की महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष है, वह अपने चाचा सलमान खुर्शीद के साथ भी मीटिंग रैलियों में जाती है। सोमवार को वह सलमान खुर्शीद के साथ फरुखाबाद से सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक के समर्थन में एक जनसभा में शामिल हुई। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत को टिकट दिया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।